गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 6, 7 और 8 मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो विधि से बताएंगे, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो है बताएंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, और दूसरा बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम डिवीजन मेथड में क्वेश्चन लेते हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 36, 42। इसका एचसीएफ हम लोग डिवीजन मेथड से निकालना सीखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका पहला है, हम आपको दिखा रहे दे रहे हैं, 12 है, 36 है, 42 है। इसमें सबसे पहले हम लोग दो नंबर लेंगे, इन दोनों नंबरों में से, दोनों संख्याओं में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन से है उसका पता लगाएंगे। जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, उसको हम जो है डिवाइडेंड मानेंगे, और जो उसमें से छोटा नंबर दिखेगा उन दोनों में से, उसको डिविजन मानेंगे। तो डिवाइडेंड में जो है डिविजन से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं इसमें जो है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 36 है। 36 को हम लोग जो है क्या करेंगे, डिवाइडेंड करेंगे, किससे करेंगे, 12 से। 12 हमारा इसमें क्या है, डिवाइजर है, 12 डिवाइजर और 36 डिवाइडेंड। तो सबसे पहले अब देखेंगे 12 का टेबल, क्या आप लोगों को पता होगा जरूर, क्योंकि यह छोटी कक्षाओं का है। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कितना जाता है। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। तो 3 जा जो है क्वेश्चन गया, कितना हुआ 36। इसमें रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर जो है हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। जब 3 क्वेश्चन ले गए तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ देखते हैं, लिखिए इसको, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये देखते हैं, तो एचसीएफ ऑफ जो है कितना हो रहा है। हाँ तो बच्चों, यहाँ आप लोग जो है 12 और 36 का एचसीएफ निकाल रहे थे, तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36 कितना आया, 12 आया। क्यों, क्योंकि जो है जब हम लोग 36 को 12 से डिवाइड किए तो पूरा पूरा हमारा जो है यह जो है डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर जो है 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हुआ तो यह जो है जिससे हम लोग डिवाइड किए रहते हैं, जो इसमें डिवाइजर होता है, वही हमारा जो है क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसमें जो है तीन संख्या, क्वेश्चन में आप लोगों को तीन संख्या दिए थे, 3 नंबर्स था, तो 12 और 36 हम लोग ले चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट नंबर हमारा एक और बच रहा है, कितना है वो, 42। कितना है, 42। अब हम लोग 42 और किसको लेते हैं, किससे भी डिवाइड किए थे 12, तो 12 और 42 को लेते हैं, तो इन हाँ, तो अब इसमें जो है अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 42 और जो 12 और 36 का एचसीएफ आया है 12, इन दोनों को लेते हैं। तो 42 और 12 का एचसीएफ जब लेंगे तो इन दोनों में सबसे पहले आप लोगों को देखना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उस ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग जो है डिवाइडेंड मानेंगे, और छोटी संख्या जो है इसमें स्मॉलेस्ट है इसको जो है डिवाइजर मानेंगे। तो 42 हमारा इसमें क्या है, 42 ग्रेटेस्ट है, तो 42 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 12 से। तो इसमें हमारा 12 जो है डिवाइजर हुआ और 42 जो है डिवाइडेंड हुआ। तो 42 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 का टेबल फिर से हम लोग पढ़ेंगे, 3 है, तो 12 3 या कितना होगा, 42, 12 3 36,
सॉरी 12 थ्री जा जो है 36 होगा, 12 थ्री जा, और 4 जा यदि ले जाते हैं तो 4 जा जो है ज्यादा हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हम लोग जो है ज्यादा नंबर नहीं ले जाएंगे, जो इससे स्मॉलेस्ट होगा, थ्री जा स्मॉलेस्ट हो रहा है तो थ्री जा को ही ले चलेंगे क्वाड्रेंट। हाँ, तो इसमें हमारा जो है 12 से 42 ग्रेटर नंबर को डिवाइड किए तो थ्री जा जो है पॉइंट क्वेश्चन गया तो 36 आया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 6 तो निकलेगा नहीं, तब क्या करेंगे इससे ऊपर 12 कर देंगे, 12 करेंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 6 निकालेंगे 6 होगा, और यहाँ बचा कितना 1 12 हो गया था 3 में से 3 0 हो गया, 0 आया। अब देखिए जब 6 यहाँ हमारा रिमाइंडर हुआ तो यह 6 और 12 इन दोनों नंबरों को लेते हैं, किसको लेंगे 6 और 12, इन दोनों में हमारा कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो ग्रेटर इसमें जो है 12 हो रहा है, स्मॉलर 6 हो रहा है, तो 12 को डिवाइड करेंगे फिर किससे 6 से, जो रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 12। तो देखिए बच्चों दो नंबर लेते हैं 6 और 12 को, इसमें हमारा 6 जो है स्मॉलर है और 12 जो है ग्रेटर है, तो 6 जो है डिवाइडर बनेगा और 12 जो है डिवाइडेंड बनेगा, तो 12 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 6 के टेबल में हमारा 12 मिलेगा, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं 6 वन जा 6 6 टू जा 12 6 टू जा 12। अब यह 12 जो था यह 6 से पूरा डिवाइड हो गया, लास्ट डिवीजन जो होगा तो डिवीजन जो है लास्ट डिवीजन कितना हुआ 6 हुआ, तो लास्ट डिवीजन ही जो है इसमें क्या बनेगा आपका HCF किसका आ रहा है इन तीनों नंबरों का 12 का 36 का 42 का, इन तीनों नंबरों का लास्ट डिवीजन कौन सा बना है 6, लास्ट डिवीजन जो होता है वही HCF होता है, HCF ऑफ 12 36 42 ये इक्वल कितना लास्ट डिवीजन कितना आया था 6 तो 6 आया HCF। हाँ बच्चों देखिए यहाँ तो हम लिख रहे हैं HCF ऑफ 12 36 42 का 6 तो दिखा दिए, लेकिन यह HCF 6 क्यों हम लोगों को मिला है कैसे मिला है, जब हम लोग 12 का 36 का 42 का फैक्टर्स निकालेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी जो है 6 होगी, जो कि इन तीनों संख्याओं को तीनों नंबर्स को जो है कंप्लीटली जो है डिवाइड कर देगा, इससे 6 से बड़ी कोई और दूसरी संख्या नहीं मिलेगी जो कि इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे विभाजित करे, इसलिए जो है यहाँ पर HCF 12 36 और 42 का 6 होता है। ठीक है, समझ में आया कि 12 36 42 यहाँ जो HCF 6 दिखाया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है कि HCF 6 क्यों आ रहा है, जब फैक्टर्स निकालेंगे तीनों का तो इन तीनों के फैक्टर में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा कॉमन मिलेगा वह सबसे बड़ी संख्या जो है 6 ही होगी। हाँ तो बच्चों अब जो है डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF निकाल चुके हैं, अब इन्हीं तीनों नंबर्स का हम लोग जो है HCF जो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से हो चुका है, अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स का HCF निकालेंगे, सेम नंबर वही है 12 36 42 का जो है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, जिसमें 12 36 42 है तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें प्राइम फैक्टर्स पता करना है कि इसका प्राइम फैक्टर्स कितना है, जैसे 12 का
लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं 12 का कितना है, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये सबसे पहले 2 से जो है डिवाइड होगा, 2 6 गया 12, 2 3 गया 6, 3 1 गया, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 का फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो लिख रहे हैं हम 12 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम्स 3 आया है। इसी प्रकार 36 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 36 का जो है हम लोगों को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यह आप लोगों को एलसीएम में प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बताया गया होगा। तो 36 का जब प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और किसका निकालेंगे 42 का निकालेंगे। 42 का जो है फैक्टर्स कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब सबसे पहले इसमें हम लोग जो है कॉमन खोजेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इन तीनों नंबर्स में मिल रहा है, 12 में भी है, 36 में भी है और 42 में भी है। तो सबसे पहले अब हम लोगों को दिख रहा है 2, 2 तो तीनों में मिला, 2 को ले लिए, फिर देखते हैं इसके आगे 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी जो तीनों में मिलेगा तभी हम लोग लेंगे। उसके बाद जब तीसरा नंबर देख रहे हैं 3 है, 3 इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 को भी ले लिए, ये 3 हो गया। तो 12, 36 और 42 का जब फैक्टर्स हम लोग बनाए, इसमें 2 कॉमन हम लोगों को मिला, एक 2 मिला और एक 3 मिला है, क्योंकि इसमें जो है 2 था तो 2 इसमें भी था, इसमें नहीं था, अब 3 इसमें था, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ले लिए, इसको भी ले लिए। अब उसके बाद 12 वाले में जो है कोई नंबर्स नहीं बच रहा है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, 12 वाले में नहीं मिल रहा था इसलिए हम वहाँ से कोई नंबर नहीं लेंगे। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3, तो इक्वल टू कितना होगा, 6 इक्वल टू 6। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे एचसीएफ 12 का, 36 का, 42 का, तो कितना आया, 6। देखिए डिवीजन मेथड से निकाला गया उससे भी एचसीएफ 6 आया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला गया तो उससे भी एचसीएफ 6 ही आया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब जो है हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन आपका है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों को एचसीएफ निकालना है होमवर्क में, जो क्वेश्चन आपको देने चल रहे हैं दे रहे हैं उसमें डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड से एचसीएफ निकालना है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसके साथ आंसर दे रहे हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके उसे सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है 15, 20, 30, इसका
आंसर आएगा फाइव। दूसरा क्वेश्चन है थर्टी फोर फिफ्टी वन सिक्सटी, इसमें आंसर आपको मिलेगा सेवेंटीन। थर्ड क्वेश्चन है एटीन ट्वेंटी फोर और थर्टी टू, इसका आंसर दे रहे हैं आपको टू, इसका आंसर टू होगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों मेथड से एच सी एफ निकालेंगे, दोनों मेथड से एच सी एफ 15, 20 और 30 इसका एच सी एफ निकालेंगे। आंसर आपको दे रहे हैं 5 होगा और 34, 51 और 68 का निकालेंगे इसका आंसर आएगा 17 और 18, 24, 32 का एच सी एफ निकालेंगे तो इसका एच सी एफ में आंसर आएगा टू। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।